हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज एक न्यू तरीका बताने वाली हूँ कि हरी मटर को साल भर किस तरह से स्टोर करें और इसकी सब्जी बनाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर मटर को छील कर ले लिया है, हरी मटर, और इसे मैं डालूँगी इसमें। तो इसमें मैं डाल लूँगी मटर को और कूट लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने इसे कूट लिया है, तो ये इस तरह से हो गया है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ा सा ये इसमें कूटा था, इसमें बहुत समय लग गया था, तो मैंने सिर पर पीस लिया। ये देखिए, तो सिर पर भी इसी तरह आप पीस सकते हैं। तो मैंने पीस कर रेडी कर लिया। मैंने दो तरीका आपको बताया है, तो आप चाहें तो जो बड़ा वाला ईमान जस्ता होता है, ये कूटनी है, ये तो अदरक वगैरह थोड़ा सा कूट लो। अगर जो बड़ा वाला ईमान जस्ता जो आता है, तो उसमें भी आप कूट सकते हैं। अगर जो उससे भी जल्दी हो, तो आप मिक्सी में भी कूट सकते हैं। तो मैं आपको इसे उठाकर दिखाती हूँ, मैंने इसे पीस लिया है। तो ये देखिए, मैं सिर पर से उठाकर इसे इसी तरह थाली में फैला दूँगी इसे सुखाने के लिए। तो आज का मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगता है, आप कमेंट में बताना, और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। तो मैं अब ये जो मैंने कुटनी में रखा था, इसे भी निकाल कर मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसे मैं धूप में सुखाऊंगी और आपको इसकी रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये अगर जो तेज़ धूप होगी तो एक दिन में ही सूख जाएगा, नहीं तो इसे 2 से 3 दिन लग सकते हैं अगर जो धूप कम होगी। तो मैं इसे सुबह ही 9 बजे इसे मैंने कर लिया है, और इसे मैं अब छत पे रख दूंगी सूखने के लिए। सब आगे मैं वीडियो में दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने धूप में रख दिया इसे सूखने के लिए, और इसे ना तो बहुत बारीक पीसें और ना ही दरदरा, तो इस टाइप का हमें चाहिए। तो मैं इसे रख देती हूँ सूखने के लिए, तब शाम तक इसे देखूँगी। ये देखिए, शाम हो गई है, तो मैंने इसे उतार लिया है छत से, तो ये सूख गया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो आज धूप तेज थी, धूप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन में सूखेगा। अगर जो धूप धीमी रहेगी, कम रहेगी, तो इसे 2 दिन लग जाते हैं सूखने में, और आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं और इसे सब्जी बनाकर खा सकते हैं, और इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, तो मेरे पास थोड़ी मटर कम थी, तो मैंने बस इतना ही बनाया। तो अभी और बनाऊंगी मैं इसका मटर, जब मंगाऊंगी तो हरी मटर, क्योंकि अब सीजन भी चला गया है तो थोड़ी कम मिलती है। बस आप इस तरह से रख दीजिए, तो आप इसे बाद में सब्जी बनाकर चाहे जब खा सकते हैं। तो मैं आपको सब्जी बनाकर दिखाती हूँ, तो किस तरह से इसकी सब्जी बनाते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी ले लिया है मटर को, और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो आप इतना पानी डालें कि जिससे ये भीग जाए, बस इतना पानी चाहिए। 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दें। ये देखिए, ये हमारा फूल चुका है, 1 घंटा हो चुका है, और अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा, वैसे तो ज़्यादा पानी नहीं है, इसे हम निचोड़ लेंगे। छोड़ लिया, अब मैं इसे सिर पर पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आलू को काट लिया है और सभी तैयारी कर ली है, तो मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। और कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग हमारी हो गई, तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और हरी मिर्च। जब तक हमारा तड़का हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर मसाले ले लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ले लूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो इन सभी को मैं भिगो देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, तब तक प्याज हमारा भून चुका है, तो यहाँ पर डाल देंगे हम जो मटर हमने पीसी हुई थी। तो ये देखिए,
ये मटर भी हमारी भुन चुकी है अच्छे से, तो इसी में हम डाल देंगे मसालों को। और मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसी में डाल देती हूँ मैं आलू को, और आलू को भी इसी में भून लूंगी। आलू को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसी में डाल देती हूँ मैं पानी। पानी को ऐड कर देती हूँ, तो पानी हमने डाल दिया, तो यहीं पे डाल देती हूँ मैं टमाटर। तो टमाटर को इसी तरह सब्जी में डालें तो इसका स्वाद अच्छा आता है। और अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं सब्जी में, और सब्जी को मिक्स कर देते हैं नमक को सब्जी में, और इसे ढक देते हैं पकने के लिए।